साइंस में जो है वो हम अमाइंस का जो है वो नोमेनक्लेचर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। देखेंगे, देन वी विल सी द रिएक्शन ऑफ अमाइंस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो है वो देखेंगे नोमेनक्लेचर, देन प्रिपरेशन के बारे में हम बात करेंगे कि हाउ कैन वी प्रिपेयर द अमाइंस, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ द अमाइंस, ठीक है। तो तीन चीज़ें हम आज इस सेशन में जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नंबर वन इज़ द नोमेनक्लेचर, कॉमन एंड आयोपैक नोमेनक्लेचर, एंड द सेकेंड वन इज़ द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, एंड द थर्ड वन इज़ द रिएक्शन ऑफ द अमाइंस, जिसमें हम तीन चीज़ें देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। वी हैव टू टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर, वन इज़ कॉमन और सेकेंड वन इज़ आयोपैक। वी हैव टू डील विद द बोथ टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट कॉमन नोमेनक्लेचर, ठीक है, कॉमन नेम ऑफ सिस्टम। इसमें ये है कि ऑन द बेस ऑफ रीजन और ऑन द बेस ऑफ ग्रुप अटैच जो है, और ऑन द बेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ द साइंटिस्ट, क्या मतलब हुआ ऑन द बेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ द साइंटिस्ट, द साइंटिस्ट दैट डिस्कवर द पर्टिकुलर कंपाउंड, उस बेस पे जो है उसको नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो है अमाइंस जो है वो तीन टाइप हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीन अमाइन की टाइप्स है। वैसे फोर्थ टाइप भी होती है लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स होती है, वो क्वार्टनरी अमाइन होती है और उसकी हम प्रिपरेशन हम देखेंगे। लेकिन ये है कि फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी अमाइन क्या है, सेकेंडरी अमाइन क्या है, टर्शरी अमाइन क्या है और क्वार्टनरी अमाइन क्या है। देखें, जैसे आपने पढ़ा था प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड, तो क्या था कि अगर अल्काइल हैलाइड किसी ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो आगे किसी फर्दर कार्बन के साथ अटैच ना हो, जैसे CH3Cl था, तो हम कहेंगे ये क्या है जी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अगर वो कार्बन किसी और कार्बन से फर्दर अटैच है तो हम कहेंगे ये सेकेंडरी है। अगर तीन से डायरेक्टली अटैच है वो कार्बन, सेंट्रल कार्बन जो है जिसे क्लोरीन अटैच है या कोई भी हैलोजन अटैच है उसे जो है वो कोई भी जो है जो सेंट्रल कार्बन है उसके साथ तीन डिफरेंट या सेम अल्काइल ग्रुप हों तो हम ये कह सकते हैं कि ये टर्शरी है, ठीक होगी बात। इसी तरह हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन को देखेंगे। जैसे NH3 है ना, तो ये अमाइन है। अगर NH3 में से एक H को आप उतार के आप R लगा दें तो RNH2 बनेगा, RNH2 आपका हो जाएगा प्राइमरी अमाइन, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम RNH2 जो बन जाता है इसको हम कहते हैं ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, हम एक और H को उतारते हैं और उसकी जगह पे एक और R रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो R हो गए, ठीक है, और NH हो गया, तो ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन बन गया। यानी कि अगर एक R लग गया तो प्राइमरी, दो R डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच हो गए तो वही सेकेंडरी। हम क्या करते हैं, अब जो तीसरा हाइड्रोजन होता है वो भी उतार देते हैं तो थर्ड R भी साथ अटैच हो जाता है, उसको हम कहते हैं टर्शरी अमाइन। अब क्वार्टनरी क्या है वो आप प्रिपरेशन में देखेंगे, वो सॉल्ट की फॉर्म में होता है जिसमें एन जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है और उसके साथ चार जो है वो आर ग्रुप सेम हो या डिफरेंट हो ये बात की बात है, अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव की फॉर्म में होता है तो फिर इसको स्टेबल करने के लिए साथ को नेगेटिव आयन भी आता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जिसमें होते हैं तो वो क्या होता है, सॉल्ट होता है। वो आप प्रिपरेशन में देखेंगे इंशाल्लाह। तो हम यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, देखें सबसे पहले है CH3CH2NH2, तो ये इथाइल है तो ये इथाइल अमाइन प्राइमरी है या सेकेंडरी है ये आपको अब पता चल चुका है। दूसरा लिखा हुआ है 2-hexylamine, जी। अब क्यों है, क्योंकि हम इसमें कार्बन नंबर काउंट करेंगे जिस तरह हम प्रीवियसली करते थे। अगर साथ हैलाइड होता तो हम क्या करते थे, 2-hexyl फॉर एग्जांपल क्लोराइड, 2-hexyl फ्लोराइड, 2-hexyl ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहाँ पे अमाइन है, अमाइन कह देंगे। नीचे जो है डाइमिथाइल अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये टर्शरी अमाइन है, जी। देखें तीन ग्रुप, तीन मिथाइल ग्रुप अटैच और बेंजीन, सॉरी ये बेंजीन नहीं है, ये पायरीडीन है, ठीक है। पायरीडीन जो है वो टर्शरी अमाइन है, ठीक है। एक क्वार्टनरी अमाइन भी होती है जिसमें चार होते हैं, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, वो प्रिपरेशन में। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आपने देख दी है, क्वार्टनरी जो मैंने आपको पहले बताया है कि वो सॉल्ट की फॉर्म में होगी, ठीक है।
मेरे हाल में मैं पहले बोल गया हूँ कि टर्शरी जो है वो साल्ट की फॉर्म में होगी, सॉरी टर्शरी अगर मैंने ऐसा बोला है तो वो टर्शरी नहीं होगी बल्कि क्वार्टनरी होगी, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये टर्शरी माइन है। तो देखें ऊपर जो है वो तीन डिफरेंट आर ग्रुप हैं, यहाँ पे तो हमें कोई आर ग्रुप नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम फिर किस तरह जज कर सकते हैं कि ये जो है ये टर्शरी अमाइन है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो केमिकली, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसकी जो टर्शरी अमाइन है उसकी तरह की होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़ उसकी तरह की होती हैं? दे फॉर्म ऑक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स, ठीक है। इसकी डिटेल नहीं आपने करनी, जस्ट आपने इतने बताना है कि ये जिस तरह टर्शरी अमाइन जो होती हैं वो एन ऑक्साइड्स बनाते हैं, यानी कि ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो टर्शरी अमाइन से मिलती हैं, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो है ये टर्शरी अमाइन है। और एक और इसमें बड़बड़ा है क्योंकि इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी होता है, तो वो लोन पेयर जो होता है वो अरोमेटिक, जिस तरह समझिए ये बेंजीन है, बेंजीन में हमने कार्बन निकाल के वहाँ पे नाइट्रोजन ऐड कर दिया, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये। तो इसमें जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर जैसे NH3 में होता है तो यहाँ पर भी होता है, लेकिन वो जिस तरह बेंजीन के अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो अगर हम 6 वो देखें दो इसके देखें तो हम कहेंगे ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है रिंग के अंदर, बल्कि ये रिंग के अंदर नहीं होते, 6 तो रिंग के अंदर होते हैं जिस तरह बेंजीन के होते हैं, ये दो जो इसके इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो इसके सेपरेट होते हैं, तो ये एज ए बेस करती है, पाइरीडीन जो है वो एज ए बेस एक्ट करती है, ठीक है। अब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो जो ये टोलीन है आपकी ये लिखा हुआ है एनिलीन, सॉरी एनिलीन C6H5NH2 कंटेनिंग मिथाइल ग्रुप इज ऑन द रिंग इज कॉल्ड टोलीडीन, ठीक है। अच्छा हम एन लिख क्या मतलब ये देखें ना, तो यहाँ पे ना एन हम उसके साथ लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है ना कि जो एन है आपका, सॉरी आपका मिथाइल ग्रुप है वो अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच है तो फिर हम एन नहीं लिखेंगे, ठीक है। एन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे दो एन लिखेंगे, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर एनिलीन का है, यानी कि बेंजीन NH2 का है, ठीक है। अब उसको क्या किया है, उसके दोनों एच को उतार के दो मिथाइल लगा दिए हैं। अब ये जो मिथाइल लगे हैं ये बेंजीन रिंग के साथ नहीं लगे, पॉइंट नोट करें, दीज मिथाइल ग्रुप आर नॉट अटैच टू द बेंजीन रिंग बट दे आर अटैच टू द नाइट्रोजन, डेट्स वाई वी राइट NN डाई मिथाइल एनिलीन, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर एनिलीन का है, पेरेंट स्ट्रक्चर दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, कहाँ पे अटैच हैं, बेंजीन पे नहीं जी, बेंजीन पे नहीं है बल्कि नाइट्रोजन पे हैं। तो इस वजह से हम NN लिख रहे हैं कि NN का मतलब है दो दफ़ा अटैच है, फिर आगे डाई भी लिख रहे हैं, कितने ग्रुप हैं दो हैं, कौन से हैं मिथाइल हैं, पेरेंट कौन सा है एनिलीन है, बस यहाँ पे बात कंप्लीट हो गई। यहाँ पे देखें एक जो है वो आपका जो है वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है मिथाइल ग्रुप, जबकि दो जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो वहाँ पे उसने ये नहीं लिखा कि NNN ट्राई मिथाइल, ठीक है, बल्कि उसने लिखा NN डाई मिथाइल टोलीडीन। बात समझ आ गई कि जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच है, जो नाइट्रोजन के साथ अटैच है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एन लिखते हैं, ठीक है। अगर एक होगा तो एक दफ़ा एन लिखेंगे, अगर दो होंगे तो दो दफ़ा एन लिखेंगे, ठीक है। अगर हम आप बात ये जो नोमेनक्लेचर है ये आयोपैक नोमेनक्लेचर है, ठीक है। पहले जो हमने देखा है वो कॉमन तो वो कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, किस पोजीशन पे है ना, तो नंबरिंग से आपको पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर दो नाम की मैं हूँ इथाइल अमाइन, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोपाइल अमाइन, यहाँ लिखा हो टू इथाइल अमाइन, ठीक है, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो टू वाला है इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये एक आयोपैक नेमिंग है, वैसे दूसरी जो है वो कॉमन नेमिंग है, ठीक है। तो फिजिकल
पोलैरिटी जनरेट हो जाती है और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। यही वजह है कि नेक्स्ट लाइन में लिखा भी हुआ है कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज़्यादा होते हैं और यही वजह इनकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है, इन एक्वस मीडिया, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जैसे आपने फर्स्ट ईयर में हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपने तीन केसेस पढ़े थे, इसमें सबसे फर्स्ट केस था CH4, इसमें फोर के फोर बॉन्ड पेयर थे। सेकंड केस था थ्री बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर, जिसमें हमारा NH3 था। और थर्ड केस था टू लोन पेयर एंड टू बॉन्ड पेयर, जिसमें हमारा वाटर था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको sp3 क्लियर है कि अमाइन का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली अमोनिया से लिया गया है, तो अमोनिया क्या थी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, बात करें अमोनिया के ऊपर, जो आप देखिए ना लोन पेयर होते हैं, जो आपने हाइब्रिडाइजेशन में देखा था कि वो जो बॉन्ड होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, तो जिसकी वजह से वो लोन पेयर रह जाते हैं। अब वो लोन पेयर जो होते हैं वो एज ए बेस का काम करते हैं। कैसे, देखिए हमने लीवस कंसेप्ट पढ़ा था, लीवस ने कहा था कि जो चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है वो लीवस बेस है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है वो लीवस एसिड है। इसमें आपने 9th-10th में या फर्स्ट ईयर में भी आपने ये एग्जांपल पढ़ी थी NH3 और BF3 की। NH3 और BF3 में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है कि NH3 जो होता था वो लोन पेयर डोनेट करता था और BF3 एक्सेप्ट करता था। खैर एनी हो, हम उस तरफ नहीं जा रहे। अच्छा, ये कह रहा है कि ये मोर बेसिक है और मोर न्यूक्लियोफिलिक है देन अल्कोहल एंड ईथर। ईथर और अल्कोहल से ज़्यादा ये बेसिक भी है और न्यूक्लियोफिलिक भी है। न्यूक्लियोफिलिक का क्या मतलब है, ये हम बेंजीन वाले चैप्टर में डिटेल से देख चुके हैं, बट वंस अगेन मैं आपको बता देता हूँ। बेंजीन न्यूक्लियोफाइल का मतलब, फाइल का मतलब होता है लविंग, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, यानी कि जो इसके जो विलिंगनेस है फॉर द न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हैं, तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन को रिजाइड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए घर चाहिए, घर क्या है, न्यूक्लियस है, तो ये उस चीज़ के लिए विलिंग है। ठीक है, और बेसिक तो मैंने आपको बता दिया, ये दो रिएक्शन है। रिएक्शन में ये शो कर रहा है कि आपका ईथर है, ठीक है, पहले में जो है वो मिथाइल आयोडाइड, ये वन नहीं है, ये आई है। ठीक है, मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, जबकि आपकी अमाइन रिएक्ट कर जाती है और ये क्वार्टनरी साल्ट जो है वो बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिपरेशन। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें जी, 1 by 1 हाइड्रोजन जो है वो मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस होता जाएगा। यहाँ पे यही केमिस्ट्री है। आप देखें फर्स्ट ग्रुप में क्या हुआ है जी, सबसे एंड पे जो दो रिएक्शन है, तीन, ये चार बल्कि, सॉरी, C2H5 इथाइल आयोडाइड अमोनिया से रिएक्ट किया है, तो एक हाइड्रोजन उतरा है, HI बन गया और NH2 रह गया। देन नेक्स्ट में देखें तो सिर्फ NH रह गया, देन उससे नेक्स्ट में देखें सिर्फ N रह गया और C2H5 thrice N है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखेंगे तो क्या होगा, एक और इथाइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। पहले में जो बना है वो प्राइमरी अमाइन है, दूसरे में जो बना है वो सेकेंडरी है, तीसरे में जो बना है वो टर्शियरी है, और फोर्थ स्टेप में जो N पॉजिटिव के साथ है वो है क्वार्टनरी अमाइन। ठीक होगी बात। अच्छा, अब इनकी बात आती है रिडक्शन। अब इनकी प्रिपरेशन है कि आप रिडक्शन करते हो साइनाइड ग्रुप की। ठीक है, साइनाइड को डायरेक्ट नाइट्रो ग्रुप में, सॉरी नाइट्रो नहीं, अमाइन ग्रुप में चेंज करते हो। दो वे हैं इसके, या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर लो, ठीक है, या फिर रिडक्शन कर लो बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, दोनों गिवन है, दोनों को सिंपल वे हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप जी, यानी कि NO2 ग्रुप जो है, ये फॉर एग्जाम्पल समझे, ये AR का मतलब है, समझो आप ये समझो कि बेंजीन है, तो ये लिखा हुआ है नाइट्रो बेंजीन, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, एनिलीन। ठीक है, NH2 और नीचे बेंजीन अटैच हो जाएगी। AR का आप ये मतलब समझो कि ये बेंजीन है। ठीक है, ये बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं, बेंजीन भी हो सकता है, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप फिलहाल इसे फॉर अ टाइम बीइंग बेंजीन ही समझो। ठीक है, होगी बात। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसमें नाइट्रो को जो है आप 10 and 7 H+ लिखा हुआ है, और Fe और H+ मतलब एसिडिक मीडियम में। आयरन आप एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हो एसिडिक मीडियम में, टिन आप यूज़ कर रहे हो कैटलिस्ट इन एसिडिक मीडियम, तो आपका नाइट्रो ग्रुप आपका उसमें चेंज हो जाता है, किस में, अमाइन ग्रुप में जी। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिखा हुआ है, तो ये देखिए अमाइड है ये, ये याद रखें कि अगर RNH2 के साथ अटैच हो तो वो अमाइन है, और अगर RC डबल बॉन्ड हो NH2 हो, यानी कि
और NH2 के दरमियान कार्बोनाइल कार्बन आ जाए तो उसे हम अमाइड कहते हैं। ठीक है, अमाइन और अमाइड में डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, आगे एक चीज़ आएगी अमीन। अमीन क्या होता है, सी और एन में, यानी कि कार्बन यानी कि जो आपका अल्काइल ग्रुप है उसमें, और न अमाइन में जो NH2 ग्रुप है उसमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, बाकी वैलेंसी हम उसकी पूरी बॉन्ड उसके हम पूरे काल। कौन ज़्यादा जो है वो अग्रेसिव है, मिथाइल अमाइन या फिर सिर्फ अमाइन NH3 अमोनिया, सॉरी। तो देखें जो है वैल्यू आप पीके सॉरी PKa नहीं, वो 63 के लिए होती है, PKb, यहाँ पे बी की जगह पे NH3 और CH3 और NH2 लिखा हुआ है, तो हमें ये पता चल रहा है कि मिथाइल अमाइन जो है वो ज़्यादा बेसिक है। लेकिन समटाइम हमें वैल्यू ना दी हो तो फिर हम कैसे प्रोडिक्ट करेंगे, उसके नीचे दो रिजल्ट है NH के N के ऊपर। ठीक है, लेकिन NH3 में क्या है, उसका एस ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इन अमोनिया द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय एस ऑर्बिटल, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एस, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल जो है वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों खींच रहा है, जितना एस ऑर्बिटल ज़्यादा होता है इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होता है। खैर हम इस तरफ नहीं जा रहे, अब बस ये समझें कि NH3 जो है उसमें एस ऑर्बिटल की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है उनका जो झुकाव है, यानी कि वो समझें कि वो तीनों हाइड्रोजन है उनको बाउंड करके रखा हुआ है, वो फ्री तो हैं बट इतने फ्री नहीं हैं जितने के मिथाइल अमाइन में है। कैसे आप मिथाइल अमाइन में कैसे हैं, देखिए मिथाइल जो है ना वो खुद भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एन के पास ऑलरेडी भी इलेक्ट्रॉन हैं लोन पेयर हैं, और पीछे से बाय इंडक्टिव इफेक्ट, ये आपने वर्ड लाजमी यूज़ करना है, मिथाइल ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और ब्रैकेट में लिख देना है बाय इंडक्टिव इफेक्ट, तो उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन है, पीछे से उसे और पुशअप मिल रहा है इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली या फास्टली जो है वो आगे शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पीछे से भी प्रेशर है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पानी का टब है, ठीक है, उसको आप जो है वो पुश कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपके साथ एक और कोई बंदा लग जाएगा, मतलब पावर डबल हो जाएगी, तो वो उसको पुश करना जो है वो इजी हो जाएगा, ठीक है, या वो जल्दी खाली हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उसके ऊपर, जिस तरह अमोनिया में थे NH3 में, लेकिन अब यहाँ भी उसे पीछे से NCH3 की जानब से पुश मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और वो किस तरह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ रहा है, बाय इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्यों क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है। ठीक है, बस आप इतना लिख देना कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, उसके पास अपने भी इलेक्ट्रॉन है, मज़ीद उसको पुश मिल रहा है, जिसकी वजह से वो इमीडिएटली इन इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से जितनी जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन देगा उतनी ही वो अच्छी बेस होगी। तो मिथाइल अमाइन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रही है, इस वजह से वो अच्छी बेस। सेकंड रीज़न क्या लिखी हुई है, अच्छा स्टेबलाइज करने की। देखें जो आगे देखें ये NH3 है ना, तो NH3 के आगे अमोनियम आयन बांध रहा है, और जबकि फॉरवर्ड जो है वो अगर प्रोडक्ट आपकी स्टेबल हो, ठीक है, वो उसको छोड़ दें आप कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस वाले कंसेप्ट को, सिर्फ ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखें कि आपकी प्रोडक्ट स्टेबल है। जब आपकी प्रोडक्ट स्टेबल है तो फिर क्या होगा, जब आपकी प्रोडक्ट स्टेबल है तो
तो जो आपका रिएक्टेंट है वो किस तरह मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इसमें हम जो सेकंड रीज़न भी हमने डिफ़ाइन कर दी है, बट ये है कि जब आप हायर एमाइंस की बात करते हो तो इसमें नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आ जाते हैं, या जिसमें जो है वो सॉल्वेशन वगैरह भी आ जाती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ थिंग्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो कंसेप्ट हमने दो यूज़ किए हैं, ये जो स्मॉल अमाइन है यानी कि मिथाइल अमाइन तक ही या इथाइल अमाइन तक मैक्सिमम आप ये कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो, बट आपकी बुक में यही है, आपने यही रीज़न देनी है, और आपका क्वेश्चन भी एज इट इज़ यही आता है कि विच वन इज़ मोर बेसिक, ठीक है। आगे जी, रिएक्शन ऑफ अमाइन अल्काइल हैलाइड के साथ है, एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ है, अल्काइल हैलाइड के साथ क्योंकि है तो ये न्यूक्लियोफाइल हैं, तो कौन सी दिए गए हैं जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के साथ, ठीक है, वो कौन से हैं, एसिड एनहाइड्राइड वगैरह, उनके साथ ये असाइल न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं तो हम अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, इट प्रोड्यूस सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन, ठीक है, RnH2 क्या करेगा, एक प्रोटॉन लूज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन जब अमाइन के साथ रिएक्ट करते हैं है, ठीक है, अमीन में IMINE में डबल बॉन्ड है, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन। अच्छा, जब ये रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ, HNO3 हो तो वो नाइट्रिक होगा, अगर HNO2 हो तो वो नाइट्रस होगा, तो ये क्या प्रोडक्ट बना रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है आपका डाजोनियम सॉल्ट बना रहा है, यहाँ डाजोनियम आयन बना रहा है। अब डाजोनियम आयन जो होता है वो डिकम्पोज डाइएजोनियम, ठीक है, डाइजोनियम इसे पढ़ते हैं, डाइएजो, एजो डाई भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें आई थिंक सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका, तो उसमें आप एजो डाई भी, एजो वो ग्रुप होता है जिसमें दो नाइट्रोजन आपस में, जैसे एन टू है ना आपका, आगे एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, तो उन्होंने आगे फोर्थ बॉन्ड किसी और से बनाया होता है, ठीक है, ताकि इस वजह से वो एन जो है, एक एन जो है वो पॉजिटिव है, तो जब वो ब्रेक होता है तो क्योंकि नाइट्रोजन एन टू की फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है, तो या आपको अल्केन देगा। आई होप